हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल फैक्टलोपीडिया पर आपका स्वागत है, जिस चैनल पर आपको हमेशा नए नए और अजब गजब फैक्ट जानने को मिलते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही घंटी वाले बटन को भी दबा देना, जिससे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम सभी लोग एएम और पीएम शब्द से तो परिचित होंगे ही, क्योंकि हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में कभी सुबह का अलार्म सेट करने में तो कभी किसी घड़ी या किसी और डिजिटल उपकरण के समय को सेट करने में एएम और पीएम शब्द का उपयोग करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि एएम शब्द का उपयोग रात के 12 बजे के बाद से दोपहर के 12 बजे के पहले तक किया जाता है, वहीं पीएम शब्द का उपयोग दोपहर 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे से पहले तक किया जाता है। किंतु क्या हमें एएम और पीएम शब्द की फुल फॉर्म मालूम है, या हमने कभी एएम और पीएम की फुल फॉर्म जानने की कोशिश की है? तो चलिए जानते हैं एएम और पीएम की फुल फॉर्म। दोस्तों, एएम की फुल फॉर्म एंटी मेरिडियम होती है। एंटी मेरिडियम, जी हाँ, एंटी मेरिडियम, जो कि सुनने में अजीब तो लग रही होगी, क्योंकि यह अंग्रेजी का शब्द ना होकर लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद बिफोर नून या हिंदी में दोपहर से पहले का समय कहते हैं। वहीं पीएम शब्द की फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियम होती है। पोस्ट मेरिडियम, जी हाँ, पोस्ट मेरिडियम, ये भी लैटिन भाषा का एक शब्द है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद आफ्टरनून है, जिसे हिंदी में दोपहर के बाद का समय कहते हैं। दोस्तों, कई लोग इस शब्द की फुल फॉर्म को पहले से ही जानते होंगे, लेकिन इस शब्द के अजीब होने के कारण भूल जाते होंगे। तो दोस्तों, आपको अगर ये फुल फॉर्म हमेशा के लिए याद रखनी है तो आपको शॉर्ट ट्रिक के तौर पे इस वाक्य को याद रखना होगा, जो कि है, मेरी आंटी पोस्ट करने डीएम के पास गई। जी हाँ, मेरी आंटी पोस्ट करने डीएम के पास गई, जहां मैरी से मेरी, आंटी से एंटी, पोस्ट से पोस्ट तथा डीएम से डीएम याद करने में आसानी होगी। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।